So students, we are seeing our skeletal system. Okay, so after seeing the diagram of skeletal system, we are going to see different parts of our skeletal system. Skeletal system को हमें डिटेल में पढ़ना है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो पार्ट्स हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है, तो हमने कौन कौन से पार्ट देखे हमारे स्केलेटल सिस्टम के. द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स. जॉइंट मतलब क्या, जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे को अटैच होते हैं. जैसे मेरा ये हाथ है, ये ऊपर नीचे कर रही हूँ मैं, या मेरी ये उंगली दिख रही है, ये बेंड हो सकती है. जहाँ पे ये बेंडिंग की प्रोसेस होती है वहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे को अटैच होते हैं. जहाँ पे ये दो बोन्स एक दूसरे को अटैच होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जॉइंट्स. ओके, तो हमारे सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम में क्या प्रेजेंट है. स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स. सम ऑफ द मेन बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर, जैसे हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, स्कल इम्पोर्टेंट है, देन बैकबोन, देन रिब केज, देन लिम्स. लिम्स मतलब हैंड्स एंड लेग्स, और उसके बाद में शोल्डर गर्डल एंड हिप गर्डल. दीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर स्केलेटल सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. ओके, तो सबसे पहला जो बोनी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है दैट इज स्कल. स्कल कहाँ पे होता है, देखो ये हमारा जो फेस है, फेस और हेड रीजन में जितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं उनको कंबाइनली बोला जाता है स्केलेटल बोन्स. क्या, जो हमारे फेस के अंदर बोन्स प्रेजेंट है उन बोन्स को हम बोलते हैं स्कल. क्या बोलते हैं, स्कल. स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. ये स्कल में 22 बोन्स होते हैं, जिसमें 8 बोन्स जो है ये वाला रीजन अपना, और इसके पीछे वाला रीजन जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो बना हुआ होता है 8 फ्लैट बोन से, 8 फ्लैट बोन. और जो आपका फेस वाला पार्ट है, ये फेस वाला पार्ट बना होता है 14 फेशियल बोन्स से. फेस जिससे बना है दे आर कॉल्ड एज फेशियल बोन्स. ओके, सो अवर स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स. ओके, और पता है पूरे स्कल में कौन सा पार्ट मूवेबल है, आप कोई भी पार्ट इसका मूव नहीं कर सकते, सिर्फ ये जो लोअर जॉ है आपका. आप मूवमेंट करके देखो, सिर्फ जो लोअर जॉ है आपका वो ही मूवेबल पार्ट है. बाकी का पूरा स्कल कैसे होता है, इट इज मेड अप ऑफ फिक्स्ड बोन्स. फिक्स्ड बोन्स जो बिल्कुल भी मूव नहीं होते, ओनली मूवेबल पार्ट इज लोअर जॉ. और ये मूव क्यों होता है, ताकि हम खाना खा सकें, हम खाने को सॉलो कर सके, हम बात कर सके. फॉर दैट पर्पज दिस पार्ट इज लोअर जॉ इज मूवेबल. ओके, सो वॉट इज स्कल. द बोन स्ट्रक्चर ऑफ अवर हेड इज नोन एज स्कल. द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. वॉट इज द यूज ऑफ बोन्स, 8 बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड रिमेनिंग 14 बोन्स मेक्स अप द फेस. ओनली द लोअर जॉ, ऑल्सो नोन एज मैंडिबल, दिस लोअर जॉ इज कॉल्ड एज मैंडिबल, इज मूवेबल. वी ईट फूड एंड टॉक यूजिंग द मैंडिबल. मैंडिबल है, दैट इज वाई हम क्या कर सकते हैं, फूड ईट कर सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज स्कल. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट दैट इज बैकबोन. बैकबोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपकी पीठ में. ठीक है ना, ये स्कल को अटैच है. देखिए बैकबोन आपका स्कल को अटैच है, और स्कल से लेके आपका जो हिप गर्डल है, हिप गर्डल तक के इसकी क्या होती है, लेंथ होती है. और ये एक ही बोन नहीं होता है, जैसे ये पेन है, अगर ये पेन को मैंने एक बोन कंसिडर किया तो क्या होगा, ये अगर एक बोन कंसिडर किया तो इसको देखो ये मुंह ही नहीं होता है ना. अगर सिंगल बोन जैसा अगर आपका बैकबोन होता तो पता है कि आप भी बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हमेशा के लिए. थोड़ी भी मूवमेंट आप परफॉर्म करते हैं क्या, मतलब बेंडिंग पॉसिबल ही नहीं होता आपसे, आप नीचे झुक के कोई काम नहीं कर सकते थे अगर ये एक ही बोन से आपका बैकबोन बना हुआ होता. तो आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये छोटे छोटे पार्ट्स है, एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे टोटल 33 छोटे छोटे पार्ट से ये पूरा बैकबोन बनाए. हम माला बना देखते हैं ना, कोई भी मणि से बनी हुई माला होती है वो कैसे होती है, एक रॉड में आप क्या करते हो, एक मिनट, हाँ
सी ये जो रॉड है ना, ये इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर है। ये आपका सपोज एक एक बोन है, इसे बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसको ये जो पॉइंट है ये दूसरे बोन के बीच में एक सर्कुलर पार्ट होता है उसके अंदर फंसा हुआ होता है, ये दूसरा, इसको तीसरा, फिर चौथा, और इनके बीच में से एक एक खाली जगह पास होती है। मतलब ये आजू बाजू में बोन प्रेजेंट है और बीच में क्या है, एक खाली जगह है, इसमें से हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन पास होता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। जैसे स्कल कॉर्ड में सी नहीं आता, एच नहीं आता है, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे स्कल प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को, वैसे बैकबोन का काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है ना, बैकबोन हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नाउ सी द बैकबोन ऑल्सो नोन एज स्पाइन, इसको शॉर्ट में स्पाइन भी बोलते हैं, इज फाउंड इन द मिडल ऑफ आवर बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। ये जो 33 बोन्स है बैकबोन के, दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्री, और वर्टिब्री से बना हुआ है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। ओके, दे फॉर्म ए कॉलम कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। दिस वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन कनेक्ट द अपर पार्ट ऑफ अवर बॉडी टू लोअर पार्ट। अपर पार्ट हमारे बॉडी का ये जो ऊपर का पार्ट है, कहां से, स्कल से लेके चेस्ट कैविटी तक का पार्ट, इसे अपर पार्ट बोलते हैं, और उसके नीचे का जो है चेस्ट कैविटी के नीचे से लेग्स तक का पार्ट, इसे आप बोलते हो लोअर बॉडी। ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है बिकॉज ऑफ दिस बैक बोन और वर्टिब्रल कॉलम। व्हाट इज द यूज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, द बैक बोन सपोर्ट अवर एंटायर बॉडी। हमारे बॉडी का पूरा बैलेंसिंग बैकबोन के ऊपर डिपेंड होता है, एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ बोन्स। इनसाइड द वर्टिब्री आर होलो एंड द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू देम। स्पाइनल कॉर्ड जब हम बड़े होंगे तब हमें पढ़ाई करनी है उसकी, लेकिन अभी फिलहाल नाम तो भी याद में रखना है कि बैकबोन प्रोटेक्ट अवर स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन का फंक्शन क्या है, बैकबोन प्रोटेक्ट अवर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इसके बाद में ये जो रिब केज वाला पार्ट है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज ही अगर सारे पार्ट्स अपन पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा कंफ्यूजन हो सकता है। सो फॉर दैट पर्पज हम यहाँ से आगे का पार्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।